नमस्कार मैं हूं प्रज्ञा बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है 27 अगस्त दिन रविवार खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में अब चाय उत्पादन मखाना व अन्य कई चीजों के उत्पादन की बनाई व्यवस्था एस एस सी एम टी तो परीक्षा में बिहार के कुल इतने अभ्यर्थी होंगे शामिल मधुमक्खी पालन के लिए सरकार ऐसी पाए अनुदान राजधानी फिर करेगा प्रो कबड्डी लीग की मेजबानी भारतीय टीम के इस खिलाड़ी ने योयो यो टेस्ट में बनाया सबसे अच्छा स्कोर अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की पच्चीस बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। केंद्रीय भंडार निगम में निकली एक पदों की सीधी भर्ती भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनियों में से एक केंद्रीय भंडारण निगम ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए संक्षिप्त अधिसूचना जारी की है जिसके तहत असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल अकाउंटेंट सुप्रिंटेंडेंट और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के कुल एक पदों पर भर्ती की जानी है आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट सीई डब्ल्यू ए सी ओ आर डॉट एन आई सी डॉट इन पर जाकर आवेदन कर सकते हैं बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 24 सितंबर 2023 तक निर्धारित की गई है है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदक को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से दसवीं बारहवीं उत्तीर्ण स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता होना अनिवार्य है इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए विस्तृत अधिसूचना देखे बिहार में अब चाय उत्पादन मखाना व अन्य कई चीजों के उत्पादन की बनाई व्यवस्था कार्यालय कक्ष में उद्यान निदेशालय के तरफ से संचालित योजनाओं की समीक्षा कृषि मंत्री कुमार सरजी द्वारा की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि चाय उत्पादन के क्षेत्र में बिहार देश में पांचवे स्थान पर है बिहार में चाय के लिए एक विशेष योजना बनाई जाए जिससे इसका उत्पादन एवं उत्पादन क्षेत्र बढ़े साथ उन्होंने निर्देश देते हुए कहा की चाय उत्पादक किसानों को चाय पत्ती ढूंढने के लिए अनुदान पर वाहन उपलब्ध करवाई जाए वही एक अलग से इंडस्ट्रियल फीडर विद्युत आपूर्ति करवाने की बात भी उन्होंने कही ताकि चाय प्रसंस्करण इकाई को बढ़ावा दिया जा सके चाय के अलावा ड्रैगन फ्रूट केला के उत्पादन पर भी विशेष ध्यान देने की बात कृषि मंत्री द्वारा कही गई उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि पान उत्पादन और इसके विकास के लिए एक अलग से योजना बनाई जाए मिली जानकारी के अनुसार सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना वैशाली में की जानी है इसके अलावा उनके द्वारा प्याज भंडारण के लिए भी योजना बनाने को कहा गया है उन्होंने बताया है की बिहार देश में मशरूम के मामले में प्रथम स्थान पर है इसलिए इसके मार्केटिंग के लिए कृषि उत्पादक संगठन एक स्पष्ट नीति तैयार करें मखाने और मशरूम के उत्पादन क्षेत्र का विस्तार करें आईआईटी पटना में बना प्लेसमेंट का नया रिकॉर्ड आईआईटी पटना के छात्रों के द्वारा एक बार फिर से अपनी प्रतिभा और कौशल को साबित करते हुए इस वर्ष छात्रों को 413 नौकरियां उपलब्ध कराई गई हैं जिसमें से एक छात्र को बिरासी लाख रुपए प्रति वर्ष का अधिकतम पैकेज शामिल है तो वहीं तेरह छात्र ऐसे है जिन्हें पचास लाख रूपए से अधिक के वेतन पैकेज ऑफर हुए हैं इसके अलावा चालीस लाख रूपए से अधिक के पैकेज वाले तीस प्रस्ताव है और प्रति वर्ष तीस लाख से अधिक के वेतन पैकेज के साथ पंचानवे ऑफर आए हैं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आई पटना का यह लगातार दूसरा शैक्षणिक सत्र है जिसमें छात्रों को 400 से अधिक नौकरियां मिली हैं। मालूम हो कि वर्ष 2023 में बीटेक छात्रों को दिया जाने वाला औसत वार्षिक वेतन पैकेज तेईस लाख रूपए था जबकि अधिकतम पैकेज बिरासी दशमलव शून्य पाँच लाख रूपए है वहीं वर्ष 2023 में स्नातक करने वाले एमटेक छात्रों का औसत वार्षिक वेतन पैकेज सत्रह दशमलव पाँच शून्य लाख रूपए है और अधिकतम पैकेज छियालीस लाख रूपए है मधुमक्खी पालन के लिए सरकार से पाए अनुदान अगर आप भी उनमें से हैं जो मधुमक्खी पालने की इच्छा रखते हैं तो यह खबर आपके लिए है बता दें कि एकीकृत एक बागवानी विकास मिशन योजना के तहत शहद की बढ़ती मांग को लेकर मधुमक्खी पालकों को बिहार सरकार के द्वारा अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है जिसके तहत सामान्य को पचहत्तर अनुदान राशि तो वही अनुसूचित जाति जनजाति को नब्बे अनुदान राशि दी जाती है जिसकी इकाई लागत चार बॉक्स है बता दे की इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों मधुमक्खी की आय में बढ़ोतरी करना है और उच्च गुणवत्ता के शहद उत्पादन वृद्धि करना है इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक व्यक्ति एस टी टी पी एस कोलम स्लैश हॉर्टिकल्चर डॉट बिहार डॉट जी डॉट इन पर विजिट कर सकते हैं बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे लक्ष्मीकांत झा के बारे में लक्ष्मीकांत झा 1 जुलाई उन्नीस से 3 मई 1970 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे वह भारतीय सिविल सेवा के 1936 बैच के सदस्य थे लक्ष्मीकांत झा ब्रिटिश शासन के दौरान आपूर्ति विभाग में उप सचिव बने और 1946 के नए साल के सम्मान में उनकी सेवा के लिए उन्हें एम नियुक्त किया गया स्वतंत्रता के बाद आर के गवर्नर के रूप में नियुक्त से पहले उन्होंने उद्योग वाणिज्य और वित्त मंत्रालय में सचिव और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के के रूप में कार्य किया था उन, उनके कार्यकाल के दौरान महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में दो तो पाँच दस और सौ मूल्य वर्ग के भारतीय रुपए के नोट जारी किए गए नोटों पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उनके हस्ताक्षर है आर के उनके कार्यकाल के दौरान पहली बार भारत सरकार की आधिकारिक भाषा हिंदी में मुद्रा नोटों पर हस्ताक्षर दिखाई दिए उनके कार्यकाल में चौदह प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण वाणिज्यिक बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की शुरुआत राष्ट्रीय क्रेडिट परिषद की स्थापना और ऋण वितरण के सुविधा के लिए लीड बैंक योजना की शुरुआत भी हुई उन्होंने उन्नीस सौ सत्तर की महत्वपूर्ण अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया जब भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा और बांग्लादेश को आजाद कराया एस एस सी एम टी एस दो परीक्षा में बिहार के कुल इतने अभ्यर्थी होंगे शामिल एस एस सी मध्य क्षेत्र की ओर से मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एम टी एस की, की परीक्षा 2023 की शुरुआत 1 सितंबर से 14 सितंबर तक होने वाली है जो कि तीन पालियों में आयोजित करवाई जाएगी ऐसे में इस परीक्षा में बिहार से कुल दो लाख अस्सी हजार छह सौ संतानवे परीक्षार्थियों के द्वारा इस परीक्षा में शामिल होने के लिए पंजीकृत किया गया है बता दें कि इस परीक्षा के लिए बिहार में कुल तैतीस केंद्र बनाए गए हैं जिनमें से भागलपुर में दो दरभंगा में एक गया में तीन मुजफ्फरपुर में पांच बिहार की राजधानी पटना में अठारह आरा में एक और पूर्णिया में तीन केंद्र बनाए गए हैं परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड परीक्षा से चार दिन पहले वेबसाइट एस एस सी डाउनलोड कर दिया जाएगा एस ने सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए लॉन्च की ये सुविधा अगर आप भी एस के ग्राहक हैं और किसी सोशल सिक्योरिटी में इनरोल होना चाहते हैं तो एस यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एक नई सुविधा की, की शुरुआत की गई है जिसके तहत ग्राहक सोशल सिक्योरिटी स्कीम से आसानी से और तेजी में जुड़ सकेंगे बता दें कि इस योजना की शुरुआत एस के चेयरमैन दिनेश खाड़ा के द्वारा बीते पच्चीस अगस्त को की गई है इसके तहत एस के ग्राहक आधार के जरिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पंजीकरण करा सकते हैं एस के सभी ग्राहकों के लिए यह सुविधा बैंक के कस्टमर सर्विस प्वाइंट यानी सारे सीएसपी पर उपलब्ध होगी वही इस नई सुविधा के तहत ग्राहकों को किसी योजनाओं में पंजीकरण कराने के लिए ग्राहक सेवा केंद्रों पर केवल आधार कार्ड ले जाने की जरूरत पड़ेगी और पासबुक ले जाने की नहीं राजधानी फिर करेगा प्रो कबड्डी लीग की मेजबानी अगर आप भी कबड्डी के दीवाने हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है बता दें कि एक बार फिर बिहार की राजधानी पटना प्रो कबड्डी लीग की मेजबानी करने वाला है जिसके दसवें सीजन की शुरुआत 2 दिसंबर से होने वाली है बता दें कि इसको लेकर अभी से ही पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तैयारी शुरू कर दी गई है इंडोर स्टेडियम के फ्लोर को तोड़कर ढाई करोड़ की लागत से नया फ्लोर बनाया जा रहा मालूम हो कि इसका निर्माण होने में दो महीने के समय लगेंगे मिली जानकारी के अनुसार फ्लोर को बनाने के लिए बिहार के अलावा राजस्थान और गुजरात से मजदूर भी पटना पहुंचे हैं मालूम हो कि इसका पूरा काम बिहार भवन निर्माण विभाग की ओर से कराया जा रहा है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रो कबड्डी की दसवें सीजन में कुल बारह शहरों में मुकाबले खेले जाएंगे लेकिन उससे पहले आठ और नौ सितम्बर को मुंबई में खिलाड़ियों की नीलामी की जाएगी बीपीएससी असिस्टेंट मेन परीक्षा की डेट सीट जारी अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जो बीपीएससी असिस्टेंट मेन परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से बीपीएससी सहायक मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 2022 जारी कर दिया गया है ऐसे में अभ्यर्थी बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट बीपीएसई बी के माध्यम से कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसकी लिखित मुख्य परीक्षा इकतीस अगस्त दो को होने वाली है जो की दो पालियों में आयोजित की जाएगी जिसमे से पहले पाली की परीक्षा की शुरुआत साढ़े नौ बजे से होने वाली है जो कि ग्यारह पैतालीस तक चलेगी तो वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर दो, दो बजे से शाम चार पंद्रह तक चलेगी बता दें कि पहली पाली में सामान्य हिंदी की परीक्षा होगी तो वहीं दूसरी पाली में सामान्य ज्ञान की परीक्षा आयोजित की जाएगी इस परीक्षा के माध्यम ऐसी कुल 44 पदों को भरे जाएंगे मनीष कश्यप की फिर बढ़ेंगी मुश्किलें बिहार और तमिलनाडु के बीच सामाजिक वे फैलाने की वीडियो को वायरल करने और ट्विटर पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के लिए इस मामले को लेकर आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जल्द चार्जशीट दायर की जाएगी बता दें कि इस मामले को लेकर मुख्य आरोपित मनीष कश्यप समेत अन्य के खिलाफ ईओयू को काफी साक्ष्य मिले हैं जिसका उल्लेख विस्तार में चार्जशीट में किया गया है मालूम हो कि इस चार्जशीट में ट्विटर कंपनी से भी इनके स्तर से किए पोस्ट और फिर से डिलीट करने से संबंधित पूरी जानकारी दे दी है इस मामले में मधेपुरा के दो के आनंद विहार निवासी सत्यम कुमार नाम के युवक की भूमिका मुख्य रूप से सामने आई है उसने पूछताछ में ईओयू को लिखित बयान दिया है इसमें बताया गया है कि वर्ष 2022 में सत्यम ने अपने नाम से ट्विटर पर अकाउंट बनाया था इसके बाद लोकप्रियता हासिल करने के लिए इसका नाम बदलकर मनीष कश्यप तिरालिस कर दिया गया और फिर इस पर खबरें डालने जाने लगे ट्विटर से मिली पूरी जानकारी के अनुसार यह स्पष्ट हो गया है कि यह पूरा हंगामा मनीष कश्यप के सारे पर सत्यम के माध्यम से फैलाया गया ऑटो में तहखाना बनाकर लाई जा रही शराब पुलिस ने किया बरामद बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंदी है लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की ओर ऐसी जीतोर कोशिश की जा रही है लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही बल्कि शराब तस्कर आए दिन शराब तस्करी के लिए नए नए तरीकों का निजात करते हुए पाए जाते हैं बता दें कि ताजा मामला गोपालगंज जिले के कुचाई कोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट के पास का है जहां उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान एक ऑटो से जो बिहार में आ रही थी उसके सीट के नीचे बने तहखाने से कुल 810 पीस देसी शराब बरामद किया गया और साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है जिसकी पहचान उचंका गांव थाना क्षेत्र के डाईहट्टा गांव निवासी अनिल यादव के रूप में की गई है इस मामले को लेकर उत्पाद विभाग के अधीक्षक राकेश कुमार के द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार ऑटो को फिलहाल जब्त कर लिया गया है राज्य के दस विद्यालयों में जल्द लगेंगे कंप्यूटर बहुत जल्दी राज्य के करीब दस हजार माध्यमिक और मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर लगाए जाने वाले है इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक के द्वारा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दी गई है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माध्यमिक विद्यालयों में 20-20 कंप्यूटर तो वहीं मध्य विद्यालयों में दस दस कंप्यूटर का लैब बनाया जाएगा ताकि छात्र छात्राओं को कंप्यूटर की शिक्षा सुगमता से दिलाई जा सके मालूम हो कि इस संबंध में के के पाठक की ओर से सभी डीईओ को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है बता दें कि डीईओ को के के पाठक की ओर से यह स्वतंत्रता दी गई है कि वे विभाग द्वारा चयनित 20 एजेंसियों में से किसी एक से अपने जिले के विद्यालयों में कंप्यूटर अथवा लैपटॉप लगवा सकेंगे ऐसे में कौन सी एजेंसी कितने तेजी से काम कर सकती है इसी को देखते हुए उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी पाँच किलो आठ ग्राम सोने की तस्करी का मामला हुआ उजागर बिहार के पूर्णिया में पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर सोना तस्कर से पांच दशमलव आठ किलो सोना बरामद किया गया है जो कि बंगाल से लाई जा रही थी दरअसल इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक आमिर जावेद को जैसे ही भनक लगी उन्होंने जाल बिछा कर आरोपी तस्कर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया बता दें की तलाशी के दौरान तस्कर अपने पेट में पाँच किलो आठ सौ सो ग्राम सोने का बिस्किट बांध कर ले जा रहा था ऐसे में जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से तीन करोड़ छप्पन लाख का सोना बरामद किया गया जो कि शुद्ध चौबीस कैरेट का है इस बारे में पूर्णिया एस आमिर जावेद के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह बस सिलीगुड़ी से आ रही थी वही गिरफ्तार तस्कर की पहचान सोमनाथ के रूप में की गई है तस्कर ने खुद को कुरीयर का कर्मचारी बताया है बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे अमझर शरीफ के बारे में अमजर शरीफ औरंगाबाद जिले में स्थित है और इस्लाम के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्रों में से एक है आपको बता दें कि यह दरगाह को हजरत सैदाना मोहम्मद जिलानी के नाम जाने जाने वाले मुस्लिम पीर के लिए कब्र के रूप में बनाया गया था जो आज मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है इस दरगाह की खासियत यहाँ जून के पहले सप्ताह के दौरान आयोजित होने वाली महान पीर की वर्षगांठ पर देखने को मिलती है जब लाखों की संख्या में मुस्लिम समुदाय और भी अन्य समुदाय के लोग जो सूफीवाद में यकीन रखते हैं तीर्थ स्थल पर जाते हैं इस अवसर पर तीर्थयात्रियों के लिए बाबा हजरत के पवित्र बाल प्रदर्शित किए जाते हैं इंटर में इतने विद्यार्थियों ने लिया ऑन ऑन स्पॉट स्पॉट नामांकन नामांकन इस बार इंटर में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या एक लाख सड़सठ हजार है बता दें कि इन सभी विद्यार्थियों को उन संस्थानों में नामांकन दिया गया है जिसमें तीन सूची निकलने के बाद भी सीटें खाली रह गई बता दें कि ऑन स्पॉट नामांकन के साथ इस वर्ष इंटर में दाखिला समाप्त हो चुका है बता दें कि बिहार बोर्ड के अनुसार इस वर्ष इंटर में कुल बारह लाख पचहत्तर हजार विद्यार्थियों ने नामांकन लिया है जिनमें से कला संकाय के छह लाख इक्कीस हजार छात्र शामिल है तो वही विज्ञान में छह लाख उन्नीस हजार और वानिकी में मात्र तैतीस हजार अभ्यर्थियों ने दाखिला लिया है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार बोर्ड की ओर से कुल दस हजार चार सौ बत्तीस स्कूल कॉलेजों के लिए बाईस लाख से अधिक सीटें जारी की गई थी जिनमें विद्यार्थियों का नामांकन लिया गया बिहार के इन जिलों में बारिश के आसार पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है बदलते हालात के बीच में कहीं गर्मी तो कहीं बारिश जैसे हालात है मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया जा रहा है कि मॉनसून ट्रफ लाइन रेखा पश्चिमी सीरा हिमालय की तलहटी ऐसी होकर गुजर रहा है और इसका पूर्वी सीरा समुद्र तल आरोप बना हुआ है वही शाहजहांपुर मुजफ्फरपुर पूर्णिया बांकुड़ा ऐसी होकर दक्षिण पूर्व की ओर उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक पहुँचती है वही एक और चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र पूर्वोत्तर बांग्लादेश और उत्तरी में स्थित है मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के उत्तर मध्य उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के जिलों में एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना है इसके बाद तीस अगस्त तक बारिश ऐसी साफ इनकार किया गया है बिहार पुलिस में जल्द हो सकती है प्रमोशन बिहार पुलिस में करीब साढ़े चार वर्ष से अटकी प्रोन्नति का मामला जो कोर्ट में है उसको लेकर ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अगला माह तक इस पर कोर्ट की ओर से सकारात्मक फैसला आ सकता है दरअसल पुलिस मुख्यालय की ओर से प्रोन्नति को लेकर कवायद शुरू कर दी गई है दरअसल पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी तरह के पुलिस कर्मियों की विस्तृत सेवा विवरणी मांगी गई है जो कि एस पी से सत्यापित कराकर सॉफ्ट या हार्ड कॉपी मुख्यालय को उपलब्ध करवाने को कहा गया है इस बारे में सभी महानिदेशक अपर पुलिस महानिदेशक और पुलिस उप महानिरीक्षक को पत्र लिख कर पुलिस मुख्यालय के आईजी के द्वारा सूचना उपलब्ध कराने को कहा गया है इसके साथ ही दरोगा और इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस पदाधिकारियों को वार्षिक गोपनीय चरित्री रिपोर्ट भी एक सप्ताह में अपडेट करने को कहा गया है जातीय गणना पर लालू यादव का बड़ा बयान इन दिनों बिहार में जाति आधारित गणना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है अब इसी कड़ी में राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा भी केंद्र सरकार को घेरा गया है और साथ ही एक बड़ा बयान भी दिया गया है उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जातीय गणना करवाया है केंद्र की सरकार इसे नफरत की दृष्टि से देख रही है और कोर्ट में सरकार का विरोध कर रही है उन्होंने कहा है कि बिन जाति और उसकी आर्थिक स्थिति को जाने हुए अंदाज पर हम उसके लिए क्या योजना बना रहे हैं बजट का कुछ हिस्सा दे दिया जैसे ही लगता है खैरात दे दिया आपकी जानकारी के लिए बता दें की सभी बातें लालू यादव के द्वारा बीते दिन मनोज मत्ता के एक किताब कास्ट प्राइड विमोचन के दौरान बोली गयी है बिहार के 40 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी का वोटर चेतना अभियान बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर सके इसको लेकर बीते दिन इस मकसद से भाजपा द्वारा वोटर चेतना अभियान के तहत एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया गया जिसमें बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और प्रदेश संगठन महामंत्री भीखू भाई दल सानिया के द्वारा वहां मौजूद सभी लोगों को संबोधित किया गया बता दे की बीते दिन हुई इस बैठक में इन बातों पर मंथन किया गया कि किन लोकसभा क्षेत्रों में किन किन रणनीतियों के साथ उतरना है और इसके साथ ही इस बात पर भी विचार किया गया कि कैसे सभी मतदाताओं के बीच पार्टी का विस्तार करना है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पार्टी उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है जहाँ वे कमजोर है या फिर जेडीयू के एनडीए में होने के दौरान वे सीटें भाजपा के पास नहीं आए थे इन सभी बातों को लेकर पदाधिकारियों से जमीनी रिपोर्ट तैयार करने को कही गई है सीएम नीतीश के यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ने पर मंत्री का जवाब इन दिनों ऐसी अटकले लगाई जा रही हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं वहीं अब इन सबके बीच बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा जवाब देते हुए कहा गया है कि अभी तक इस पर न तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अपनी इच्छा व्यक्त की गई है और न ही पार्टी नेतृत्व की ओर से इस पर कोई फैसला लिया गया है उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों से लोग मांग कर रहे हैं कि गठबंधन इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नीतीश कुमार को बनाया जाए बता दें इससे पहले जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद धनंजय सिंह के द्वारा भी कहा गया था की हमारी पार्टी चाहती है की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फूलपुर -फूल लोकसभा सीट से चुनाव लड़े कन्हैया कुमार को बिहार में मिली बड़ी जिम्मेदारी पर प्रशांत किशोर का तंज कांग्रेस पार्टी द्वारा कन्हैया कुमार को बिहार में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और वो खूब सुर्खियों में है कि कन्हैया कांग्रेस को बिहार में जिंदा कर पाएंगे इस पर जनसुराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पत्रकारों के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब किसको कौन सी जिम्मेदारी कौन सा दल दे रहा है ये तो दलों की अपनी समझ है आर की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव और जगदानंद बाबू आरोप है अब ये पद उन्हें क्यों दिए है ये तो आर वाले बता सकते हैं कांग्रेस वाले बता सकते हैं की वो बिहार में क्या करना चाहती है जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं बिहार में और इसी राज्य में पदयात्रा कर रहा हूं, जहां तक कांग्रेस का सवाल है और कांग्रेस के संदर्भ में मुझसे सवाल का जवाब चाह रहे हो तो हमको बिहार में कांग्रेस कहीं का गांव देहात में नहीं दिखी मैं पिछले ग्यारह महीने से पदयात्रा कर रहा हूँ मुझे न कहीं कांग्रेस दिखा न कांग्रेस का झंडा दिखा न ही कोई कार्यकर्ता दिखा न ही कोई कार्यक्रम दिखा इसके बावजूद कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है अगर बिहार में कोई प्रयास कर रही है तो अच्छा है भारतीय टीम के इस खिलाड़ी ने यूयो टेस्ट में बनाया सबसे अच्छा स्कोर एशिया कप के लिए भारतीय टीम का कैंप बेंगलुरु में चल रहा है और वहाँ खिलाड़ियों का यूयो टेस्ट भी करवाया जा रहा है जिसमें सुमन गिल ने विराट कोहली को पछाड़ दिया दरअसल सभी को ऐसी उम्मीद थी विराट कोहली सत्रह दशमलव गिल ने सबसे ज्यादा अठारह का स्कोर बनाया है भारतीय क्रिकेटरों के लिए पासिंग स्कोर सोलह निर्धारित किया गया था और विराट ने सत्रह दशमलव दो स्कोर किया इस टेस्ट से जसप्रीत बुमराह प्रसिद्ध कृष्णा तिलक वर्मा संजू सैमसन और केएल राहुल को बाहर कर दिया गया है दल के नाम अब 18.7 अच्छा अंकों के साथ रिकॉर्ड है अधिकांश खिलाड़ियों का स्कोर 16.5 से 18 है भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज भारत के पहले मजदूर संगठन के रूप में श्रमजीवी संघ की स्थापना 1870 में की गई अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आदि गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतिष्ठापना 1604 सो में की गई हैदर अली ने सत्रह में ब्रिटिश सेना के खिलाफ पल्ली लोड़ का युद्ध लड़ा भारतीय सशस्त्र सेना की प्रथम महिला जनरल मेजर जनरल जी अलेरा मिलिट्री नर्सिंग सेवा के निदेशक 1976 को नियुक्त हुई भारत ने 1999 में कारगिल संघर्ष के दौरान अपने यहाँ बंदी बनाए गए पाकिस्तानी युद्ध बंदियों को रिहा किया बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष सुश्री मायावती को दो में पुनः अध्यक्ष पद पर तीसरी बार चुन लिया गया उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर में 2013 को दो धार्मिक समुदायों के बीच दंगे भड़के झारखंड मुक्ति मोर्चे के प्रमुख सिबू सोरेन ने 2008 में झारखंड के छठे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए के माथुर को दो में सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल का पहला अध्यक्ष बनाया गया टाटा स्टील की नींव रखने वाले डोराबी टाटा का जन्म अठारह में हुआ था भारतीय प्रोफेशनल रेसलर और लिफ्टर दलित सिंह राणा उर्फ ग्रेट खली का जन्म उन्नीस को हुआ था भारतीय पार्श्व गायक मुकेश का निधन उन्नीस को हुआ था तीसरी चौथी पांचवी छठी और सातवीं लोकसभा के सदस्य मंगती अंकी निडू का निधन उन्नीस को हुआ था पांचवी सातवीं आठवीं और नौवीं लोकसभा आनंद सिंह का निधन उन्नीस सौ में हुआ भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता व निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी का निधन दो को हुआ था बार फिर आज हम बात करेंगे बख्तर बंद कार्य खरीदने के बारे में सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है इसी गई आज हम बात करेंगे बख्तरबंद कार्य खरीदने के बारे में दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक दावा किया जा रहा है कि सरकार 50 बख्तरबंद कार्य खरीदने के लिए चार सौ करोड़ खर्च कर रही है पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है की यह दावा फर्जी है भारत सरकार ने जी के दौरे पर आए नेताओं की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए अठारह करोड़ रूपए में बीस औडी बुलेट रेसिस्टेंट कार्य पट्टे पर ली है और कोई कार नहीं खरीदी गई है बीआर कारों का प्रावधान सभी एच या एच यात्राओं के लिए एक मानक प्रोटोकॉल प्रक्रिया है व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ने वाले नए मेंबर्स भी पढ़ पाएंगे पुरानी चैट्स व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप किसी को ऐड या खुद जोड़ते हैं तो आपने ये बात गौर की होगी कि ग्रुप्स में आ रहे नए मैसेज शुरुआत में हमें समझ नहीं आते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारे ग्रुप में जुड़ने से पहले की बातों को रिप्लाई होते हैं और हमें या नए व्यक्ति को ये समझ नहीं आता कि किस बारे में बात हो रही है इस समस्या को खत्म करने के लिए व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है नया रिसेंट हिस्ट्री शेयरिंग फीचर ग्रुप एडमिन को यह अधिकार देगा कि वे नए लोगों को ग्रुप्स की पुरानी चैट्स पढ़ाना चाहते हैं या नहीं यदि ग्रुप फीचर को ऑन करता है तो ग्रुप में मौजूद सभी लोगों को इसकी जानकारी मिलेगी और नए मेंबर के जुड़ते ही वह पिछले चौबीस घंटे की चैट्स देख पाएंगे इस अपडेट के बारे में जानकारी व्हाट्सएप के डेवलपमेंट पर नजर बनाए रखने वाली वेबसाइट डब्ल्यू वे बीटा एन ने शेयर की है ये एक फायदेमंद अपडेट रहने वाला है क्यूँकी इससे नए मेंबर्स को ग्रुप्स में चल रही कन्वर्सेशन के बारे में पता लग सकेगा और वे एक्टिव इसमें अपनी राय जुड़ने के साथ बात कर सकेंगे फिलहाल ये फीचर सिर्फ बीटा टेस्टर्स के पास उपलब्ध है आने वाले समय में कंपनी इसे सभी के लिए रोल आउट कर सकती है हम हम प्रतिदिन प्रतिदिन आपसे आपसे पांच पांच ऐसे पैच। पांच ऐसे पैच जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी बिहार पुलिस दरोगा समेत एस एस जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे सवाल इतिहास बिहार स्पेशल विज्ञान करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे पूछे गए पांचों सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया कृपा करके यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है हाल ही में विश्व जल सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया ऑप्शन ए बी से चौबीस अगस्त ऑप्शन बी दस से चौदह अगस्त ऑप्शन सी एक से चार अगस्त ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 20 से चौबीस अगस्त अगला सवाल हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सीमा शुल्क के चौदवें संयुक्त समूह की बैठक आयोजित की है ऑप्शन ए चीन ऑप्शन बी पाकिस्तान ऑप्शन सी बांग्लादेश ऑप्शन डी श्रीलंका इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बांग्लादेश अगला सवाल हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी मलेशिया ऑप्शन सी श्रीलंका ऑप्शन डी भूटान इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फिलीपींस। अगला सवाल बिहार में गहड़वालों के आधिपत्य का प्रमाण निम्न में कहां से मिलता है ऑप्शन ए मनेर ताम्र पत्र से ऑप्शन बी मुंगेर ताम्रपत्र से ऑप्शन सी धर्मा स्वामीन के वृतांत से ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मनेर ताम पत्र से अगला सवाल बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं ऑप्शन ए e, ममलुक वंश ऑप्शन बी खिलजी वंश ऑप्शन सी तुगलक वंश ऑप्शन डी इनमें से सभी इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तुगलक वंश बीते दिन हमारे द्वारा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा सुशील कुमार मोदी सदुल्लाह पलवी पंकज कुमार दास मोहम्मद फहीम राजकिशोर महतो अनवर करीम खान मोहम्मद सकीर हुसैन भान प्रकाश मौर्य भरत प्रसाद उदय कुमार पासवान रविशंकर अतीक खान राजीव कुमार प्रभाष कुमार इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर आज का सवाल है आपके अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूले धन्यवाद